प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके शूटर गुलाम अहमद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इन दोनों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना बाईपास के पास हुआ है। झांसी में हुए एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद को किसी तरह से प्रयागराज की कोर्ट से बाहर निकाला गया। अतीक अहमद को इस कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। लेकिन कोर्ट में पेशी के वक्त ही अतीक अहमद को यह खबर मिली कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया है। कोर्ट परिसर में अतीक अहमद ये खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी तो पुलिस ने किसी तरह से उसे कोर्ट रूम से बाहर किया। अदालत का आदेश मिलने के बाद अतीक अहमद जब कोर्ट से निकला तो परिसर के बाहर तमाम वकील उसे जूतों से मारने के लिए खड़े दिखाई दिए। पुलिस की टीमों ने किसी तरह से अतीक अहमद को यहां से लेकर बाहर निकाला, लेकिन अतीक अहमद को वकीलों की गालियों और उनकी लानतों का जमकर सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें उसी अतीक अहमद की थीं जो कभी इस इलाके में अपने रसूख के कारण नजरों के इशारों से वकीलों की तमाम समस्याओं और तमाम बातों को बदल देता था। आज उसी अतीक अहमद को भरी कचहरी में वकीलों ने खूब गालियां दी हैं। हालत यह हुई कि पुलिस किसी तरह से अतीक को बचाकर नैनी जेल के लिए निकल पाई। पुलिस के लोग अतीक के सामने दौड़ते नजर आए, ऐसे भागते हुए कि किसी तरह से अतीक को कचहरी के परिसर से बाहर निकाला जाता हो। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था कि हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आज उसी दिशा में कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजाक उड़ाती थी, आज उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाते थे, ये उस समय भी घूमते थे, आप तो टिकट देते थे, कहीं जस्टिस और न्याय दिलवाने का कोई काम कर सकता है तो भाजपा की सरकार कर सकती है, और उस दिशा पे ये कार्य हुआ है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और हम सभी की तरफ से धन्यवाद। वहीं अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का अब झांसी जिले में पोस्टमार्टम किया जाएगा। अतीक के बेटे को एनकाउंटर में मारने के बाद यूपी पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। असद अहमद पर 5 लाख रुपए का इनाम था। असद के बारे में अतीक अहमद ने कहा था कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि असद कहाँ है, वो जेल में है। लेकिन अब अतीक अहमद को असद के एनकाउंटर की खबर मिली है। इसी बीच प्रयागराज की कचहरी में वकीलों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई है। अतीक के साम्राज्य पर ये एक बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा अंत उस साम्राज्य का जिसने अतीक अहमद के बाहुबल को पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में एक पहचान दिलाई थी। उस अतीक अहमद का साम्राज्य इस बार सरकार के एक्शंस के आगे छोटा दिखाई दे रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।